उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में टायर फटने से बारातियों से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है। इस हादसे में दो बच्चों सहित लगभग एक दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल घोसी कोतवाली के अमीला गांव से बारात लौट रही थी कि कोतवाली क्षेत्र के ही स्थानीय कस्बे में अचानक ही बोलेरो का टायर फट गया, जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ के से जा टकराई, जिसमें बोलेरो में सवार दो बच्चों सहित एक दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिसमें आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। इसमें करीब आधा दर्जन के करीब ये मरीज लाए गए हैं, इसमें दो बच्चे हैं, बाकी बड़े हैं, एक्सीडेंटल इंजरी है सबको, कुछ नोट करके आए हैं, घोसी से रिपोर्ट होकर आए हैं, फिर डायरेक्ट आए हैं, नोट करके रिपोर्ट किया गया है। सर्जन और आपको सर्जन को देखा, किसकी हालत भी अभी रेफर किया जाएगा? अभी तो सब स्थिर हैं, एक्सरे वगैरह हो जाए उसके बाद। बारात से आ रहा है, चलो गाड़ी का मतलब बाया चक्का अगला पंचर हुआ है, उसकी वजह से मतलब गाड़ी टकरा गई पेड़ में। कहाँ से आ रहे थे लोग? अमीला से बारात से आ रहे हैं। कितने लोग? कितने लोग थे? 12-13 लोग थे, इसमें 8 लोग आए। गाड़ी में तो ये नहीं मालूम लोग की एक साइड ऑटोमेटिक वो गाड़ी भागने लगी, तो हम लोग सोचे वो विजय कुमार एक बाइक वो रोका हुआ सर पेड़ में टकरा गए। कितने लोग थे आपके साथ? 15-16 आदमी। सभी को चोटें आई हैं? जी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।